मैं विवेक श्रीवास्तव और आज इंडिया डेयर्स में हम आए हैं द्वारका के सेक्टर वन में महावीर विहार में, और मेरे साथ यहाँ के नागरिक खड़े हैं, रेजिडेंट्स खड़े हैं और RWA के ऑफिस बेयरर्स खड़े हैं। हमने रिसर्च किया और फ़ोन पे बातचीत पहले करी तो हमें पता चला कि यहाँ पे काफ़ी समस्याएं चल रही हैं, कॉरपोरेशंस और MLA के बीच में कुछ खींचातानी भी है, तो आज हम यहाँ की समस्याओं के बारे में लोगों से बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम विजय सिंह यादव है जी। मैं महावीर विहार सेक्टर वन द्वारका, महावीर विहार सेक्टर वन द्वारका जी का रेजिडेंट हूँ जी। और यहाँ पिछले काफ़ी सालों से पानी और सीवरेज की समस्या लगा। यहाँ RWA है आप लोगों का? आप सब RWA के हैं? RWA से। तो यादव जी, आप भी RWA ऑफिस बेयरर हैं? हाँ। तो RWA के आप ऑफिस बेयरर हैं, तो अभी मुख्य समस्या क्या है? हाँ, मुख्य समस्या यहाँ की पानी और सीवरेज की समस्या है जी, और इसके चलते हुए पूरा RWA और यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स जी बार बार यहाँ के जो हमारी विधायक हैं श्रीमती भावना गौड़ जी, इनसे मिलते रहे हैं, इनको रिटर्न में कंप्लेंट दी गई है और फिजिकल जाकर के इनसे रिक्वेस्ट की गई है, लेकिन ये यहाँ कॉलोनी के लिए कोई काम नहीं कर रही हैं। इस पानी और सीवर के चलते हमने जो है दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं उनसे कई दफ़ा हमने अपनी रिटर्न कंप्लेंट दी है और वैसे मिले हैं जी। वहाँ पर आखिरी में रिजल्ट ये निकला है कि वहाँ जो जल बोर्ड के ऑफिशियल्स थे उन्होंने स्ट्रेट वे बता दिया कि आपकी MLA जो है वो नहीं होने देना चाह रही है काम, आप MLA से हमारे को आदेश दिला दीजिए, हम आपका काम कर देंगे जी। तब तक MLA अगर हमारे को नहीं कहेगी आपका कनेक्शन पानी का नहीं हो सकता हमारी कॉलोनी में पानी। तो आप फिर MLA के पास गए? जी, हम MLA के पास गए और MLA से काफ़ी दफ़ा जो है ना टाइमिंग लिया और MLA ने हमारे को 2-3 दफ़ा टाइम भी दिया कि सैटरडे को संडे को आप प्रोग्राम रख लीजिए, आपका जो है ना कनेक्शन करवा देंगे। हमारी कॉलोनी में पानी की शॉर्टेज के चलते दिसंबर 2017 में 6 इंच पानी की लाइन एक्स्ट्रा डली थी जी, जो 5 फरवरी 2018 को कंप्लीट हो गई थी। हाँ। और वो आज तक 2.5 साल होते आ रहे हैं, आज तक उसका कनेक्शन नहीं हुआ है, जिसके बारे में बार बार MLA और जल बोर्ड वालों के पास हम जाते रहे हैं ऑफिशियल्स के पास। जल बोर्ड का कहना है कि भावना गौड़ जो आपकी विधायक हैं वो नहीं करने दे रही हैं। नहीं तो वो क्या कह रही हैं? आपने उनसे बात करी? उनसे हमने बात की, उन्होंने क्या उत्तर है? उनका उत्तर ये है कि यहाँ जो है भावना गौड़ नाव मात्र की MLA है और वो जो चलती है जिसके सहारे चल रही है वो मिस्टर राय है, जो अजय राय है वो कुछ नहीं है, वो एक सिविल पब्लिक का आदमी है और उसी के इशारे पे चलती है वो। नहीं, उसने कहा था भाई मैं चाहूँगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा कनेक्शन। यहाँ हर कॉलोनी के बुजुर्ग आदमी, जवान, औरतें धरना भी दे चुके हैं, रोड ब्लॉक भी कर चुके हैं। उस टाइम भी हमें आश्वासन दिया गया था कि आपका ये 1 हफ्ते 10 दिन में जुड़ जाएगा, पर नहीं हुआ। पानी का कनेक्शन जो नहीं जुड़ा, पिछले इलेक्शन में भी भावना गौड़ ने ये कहा था कि इलेक्शनों के 10 दिन के बाद में मैं जोड़ दूंगी, वो आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं जुड़ा है। शिविर आए दिन ब्लॉक रहते हैं। आप कुछ कह रहे थे कि लिखित में दिया गया, क्या कह रहे थे? लिखित में जो है वो दिया गया है, कंप्लेंट कई बार दिया गया है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम गणेश ओझा है। गणेश ओझा जी, तो लिखित में भी आपने कंप्लेंट दी? हाँ, दिया गया है। कह रहे थे कि भाई आप लोगों ने बकायदा प्रोटेस्ट भी किया, आंदोलन भी किया। हाँ जी, फिर भी नहीं हो रहा है। लिखित में कई बार, 2-3 बार कई बार दिया गया है। मेरे ख्याल में हमारे पास 20 कंप्लेंट होंगी, कम से कम। हमने CM ऑफिस से लेकर PM तक को भी हमने दे रखे ये कंप्लेंट, वहाँ से उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया चीफ सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट को जी। और CM को हमने कंप्लेंट ऑनलाइन वैसे कंप्लेंट दे रखी है, विधायक को दे रखी है, दिल्ली जल बोर्ड में जो जनकपुरी में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठता है उनको दे रखी है कंप्लेंट, और उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। जब क्योंकि MLA, उनका साफ कहना है कि MLA जब तक नहीं कहेगी, MLA कह नहीं रही, MLA का क्या इंटरेस्ट है उसका हमें नहीं पता, क्या इंटरेस्ट नहीं मालूम जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए जीत जी, आपका नाम क्या है? KP भारती। अच्छा, भारती जी। हाँ, आप भी RWA में हैं? मैं यही हूँ। हाँ जी, बताइए भारती। 25 देखिए, जो पानी के बारे में बात हो रही है इसके लिए बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कम से कम सो मेनी टाइम, कम से कम 20 बार हम लोग भावना जी से लेकर के और जनकपुरी के जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं पर्सनल ग्रुप बना के चीफ सीधे, पहले तो वो कहते थे हाँ जी 1 हफ्ते के बाद हो जाएगा, हाँ जी 10 दिन के बाद हम लोग आ जाते थे जी। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर हम लोग
लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला? क्या नाम है इनका अफसर का जिसके पास आप गए थे? मनीष जी, हाँ, जो सबसे बड़ा अच्छा इंजीनियर है। अच्छा, नीचे जो उनके अंडर में जो लड़के फड़के हैं वो तो बैठ के यहाँ आएंगे, बैठेंगे, चाय पानी पियेंगे, हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। तो हम लोग समझे इससे तो हो नहीं रहा है, फिर हम लोग डायरेक्ट गए कार में, हम लोग 4-5-6 आदमी, एक बार नहीं, सो मेनी टाइम गए। मनीष जी ने बड़ा इंटरटेन किया, फिर 3-4 बार लास्ट में मनीष जी ने कह दिया कि जी आपका काम नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? एमएलए के पास जाइए, वो सी इज द हिंड्रेंस, वो जब तक नहीं करेंगी। वो क्यों रुकावट डाल रही है? वो क्यों उठा उसी नो सर का है, एमएलए का वो जाने। तो आप देखिए इतनी टेक्निकल चीजों को हम लोग वीकेंड डील, ठीक है, हम लोग तो ऑनर करते हैं, उनका भी ऑनर करते हैं, उनका भी ऑनर करते हैं। लास्ट में जब पीछे पड़ते रहे हम लोग मनीष जी के, अंत में मनीष जी ने सोचा कि अब तो छोड़ेंगे नहीं, बस का नहीं, आप एमएलए के पास जाइए, एमएलए जाइए और वही कहेंगे। एमएलए इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे? इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दिखाया उन्होंने, जितनी बार भी गए भाई इधर, लास्ट में हम लोग को इधर उधर। आपस की कोई पार्टी राजनीति का चक्कर तो नहीं भाई? वीकेंड से हम लोग क्या जाने, तरफ से कुछ वोट वोट नहीं आ रहा हो जैसा कि नेता का। देखिए अब ये तो जाने, एक बात बताऊं, वोट तो नहीं, सुनिए, वोट तो जिसको देना है वही देगा, और वोट दे या ना दे, दे या ना दे करना पड़ेगा जी। अब हम आज नहीं, हम भाई बॉर्न से हमारे यहाँ पे क्या समस्या से मैं अभी आया तो रोड़े सब मुझे टूटी मिली, और 3-3 बार मैं एमएलए का, आप यहाँ पे सब सुनिए, गड्ढे पड़े हुए, एक बार नहीं 3-3-4-4 बार मैं एमएलए का इलेक्शन इंचार्ज रह चुका हूँ जी। और उसके बावजूद भी जब हम लोग जैसे आदमी ऑफिस में जाए और उसको इग्नोर कर दिया जाए दाएं बाएं, तो फिर क्या करेगा आदमी? ठीक है, ठीक है। आप रोड्स के बारे में कुछ कह रहे थे? रोड के बारे में आप देखिए, हम टूटा मिला और कोई रिपेयर नहीं है कुछ। देखिए हम आपको लेने गए, आपने तो खुद देख लिया, हमें तो बोलने की कोई ये नहीं है। मेरा नाम है अशोक कुमार। अच्छा अशोक जी, यहाँ सब टूटा हुआ है तो इसके बारे में, ये तो एमसीडी का काम होगा, एमसीडी का काम है, एमसीडी के को कुछ बोला आप लोगों ने? नहीं नहीं नहीं, एमसीडी का नहीं है, ये भी डीएसआईटीसी के थ्रू हो रहा है, ये भी दिल्ली सरकार के अंदर आ गया। एमसीडी की लिमिटेशन बहुत थोड़ी, तो यहाँ पे सारा कुछ ये दिल्ली सरकार का ही, दिल्ली सरकार का, तो यहाँ पे आप लोगों को रोड की सुविधा भी नहीं है जहाँ तक? नहीं है, हम तो कई दिन से आप देख ही रहे हैं। इसकी रिपेयरिंग कब हुई थी? पिछली बार तो रिपेयरिंग इसकी हुई थी इसके उसके एमएलए, दूसरे एमएलए के थ्रू हुई थी, पहले हुई थी पाँच साल पहले आप कह रहे हैं रिपेयरिंग हुई थी, उसके बाद कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है अभी? बहुत घटिया, हर एक जगह ब्लॉकेज आ रही है, हर एक जगह ब्लॉकेज आ रही है। हम दूसरा रात को, बारिश के मौसम में समस्या ज्यादा होती है? नहीं, बारिश के नहीं, हर समय है, हर समय। अच्छा, रात को पानी का क्या है? हमारे को रात को 12 बजे पानी छोड़ते हैं, हमारी लेडीज, अगर हम रात को 1 बजे उठ करके 3 बजे तक पानी भरेंगे, हाँ, वो भी गंदा पानी आएगा, पहले उसको 5-10 बाल्टी पहले बाहर फेंको, उसके बाद जो है उस पानी को देखेंगे तो जिस पाइप में गंदा पानी आया उसी पानी को यूज़ कर रही है पब्लिक। अच्छा, तो हम लोग तो मतलब बीमारी भी फैल रही होगी, बीमारी फैल रही है, गंदा पानी आता है। यहाँ पर एक है ना, हमारी लाइन पड़नी थी पहले, पुरानी लाइन पड़ी हुई 15 साल पहले की। यादव जी, यहाँ कितने नागरिक आप बता रहे थे मुझे इस एरिया में आप लोग? इस एरिया में 800 घर हैं, तकरीबन 800 घर हैं, और 800 घर में कम से कम 5000 तो वोट है, 5000 तो वोट है, पब्लिक तो यहाँ 10000 बैठेगी, 10000 हो गई, 5000 तो वोट है, पानी और सीवर, तो पानी सीवर की मेन समस्या है यहाँ। और ये रोड तो जब रोड बना था, बिजली का क्या हाल है? बिजली के बिल का बिल ठीक आ रहा है? बिजली का बिल तो अब जो पिछली बार तो कहाँ से यार, बिजली के बिल में तो सैटिस्फाइड विद द बिल, बिल में तो अगर जो कंजप्शन है जितना हम करेंगे उतना होगा, सैटिस्फाइड नहीं है सर, आप बिल में सैटिस्फाइड नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लूट रहा है कमर्शियल वाले, जिसका छोटी सी कमर्शियल की धंधा है, कोई भी कमर्शियल है, कमर्शियल वाले का बिल्कुल कुछ नहीं सुना जा रहा है। कितने बार बिजली दफ्तर में गया, वो बोल रहा है तुम्हारी कुछ नहीं सुनी जाएगी, राजधानी पावर में ऐसे होता है। तो बीएसईएस वालों की तरफ से बिल ज्यादा आ रहा है? बिल्कुल ज्यादा, 4-5 गुना आ रहा है कमर्शियल में, जो आज 5 साल पहले कमर्शियल में जो 5 साल पहले काम हो रहा था 10 रुपया में, वो चीज हो रहा है आज 100 रुपया में, और बिल को फेंक दिया जा रहा है, बोल रहा है जहाँ जाना जाओ, कोर्ट जाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं सुनने वाला, कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। अच्छा, बिल
के डब्ल्यू एच और के बी एच, के डब्ल्यू आपका के डब्ल्यू एच आ रहा है अगर 50 और के बी एच आ रहा है उसी मीटर में, जब से ये स्मार्ट मीटर नया नया मीटर जब झूठ बोल के बेवकूफ़ बना के चेंज कर दिया है, उसमें 50 में 100 आ रहा है के बी एच, दोनों को दो जोड़ दिया जा रहा है, 500 के जगह पे 3000 बिल ले रहा है, कह रहा डोमेस्टिक वाले को जो सुविधा दे रहा हूँ ना छूट दे या वो कमर्शियल वाले से लूटूंगा उसी से तो यादव जी इसमें पानी का बिल तो नहीं देना पड़ रहा है आपको? नहीं, पानी का बिल जो कर रहा है, जो जिसका जैसे यूनिट आती है पानी का भी दे रहे हो, जैसे 20 यूनिट है, गंदा पानी आ रहा है, रात को आ रहा है, पानी का बिल गंदा आए फैल रही है, फिर भी पैसा देना पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ रहा है। ट्रीटेड वाटर प्रॉपर नहीं आ रहा है, ड्रिंकिंग वाटर क्लियर नहीं है, उसमें सीवरेज के मिक्सअप है, सीवरेज का जो ब्लॉकेज का ये प्रॉब्लम है यहाँ जी, उसके चलते यहाँ पानी मिक्स होता है, पानी की लाइनें डैमेज है, सीवर ब्लॉक है, सीवर भरने के बाद में वो उस लाइन में मिक्सअप होता है और पानी सीवर का मिक्स होकर के आता है। अच्छा, अब ये लोगों की मजबूरी है कि उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसको इस्तेमाल नहीं करें तो ये गरीब पब्लिक है या नहीं, ये रोज तो एक टैंकर अपना प्राइवेट नहीं मंगवा सकती, तो इनकी मजबूरी में इनको जो ना वो पानी जैसा भी आ रहा है उसी को इस्तेमाल, लेकिन यहाँ तो यहाँ पानी जो बीच की कॉलोनी है यहाँ तो पानी आपको मिल ही नहीं रहा, इसमें 25% जो पानी आता है 25% तो मिस यूज है उसका, जो स्टार्टिंग में जो 15-20 मिनट जो पानी आता है सीवरेज का मिक्स आता है तो उसको तो बाहर फेंकना ही पड़ता है, वो 25% तो वेस्ट गया ना, हमारा तो वेस्ट गया ना, हमारा बिजली का बिल मीटर भी चलता है, पानी का मीटर भी चलता है, जैसे को सीवर का पानी चारों तरफ से आप घिर गए, घिरे हुए हैं, ये पानी भी खराब, पानी का बिल भी, बिजली भी ज्यादा, सीवरेज की भी समस्या है, रोड भी टूटी हुई है, नींद भी हमारी जो है वो खराब है, हम रात को पानी भरना पड़ता है, तो रात में 3 बजे तक जो हम इसका चौकीदारी करेंगे या उसके बाद वो भी पानी साफ नहीं मिलेगा। भारती जी क्राइम का क्या हाल है, चोरी डकैती छीना झपटी तो नहीं है या है? अभी जब से लॉकडाउन चल रहा है, ड्यू टू लॉकडाउन थोड़ी सी नॉर्मल बात है, नहीं तो वैसे ही था जैसे पूरे पहले सब था। अच्छा, अभी लेकिन हाँ लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा नॉट फॉर इंटेलिजेंस उसके लिए नहीं, लॉकडाउन के कारण प्रेजेंस कितनी है आपके, आपकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है, परिवार है तो यहाँ पे कोई पिकेट वगैरह नहीं, कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, सिंगल कुछ नहीं है। ये जो है जो आप क्राइम के बारे में पूछ रहे हैं जी, क्राइम के लिए ये रोड है, ये सीधा लक्ष्मी अपार्टमेंट वाले रोड के ऊपर सर्विस रोड पर जाकर टच होता है ये जी, यहाँ एक बाजार लगता है, मंगल बाजार लगता है जी, जिसमें सब्जी उब्जी की रेहड़ियाँ लग जाती हैं, इंक्रोचमेंट होती है, ब्लॉकेज हो जाता है, किसी को इमरजेंसी है तो कोई नहीं जा सकता, उसके चलते उससे आगे एक खत्ता है जी, और खत्ते के साथ में एक अनऑथराइज मंदिर है। अच्छा, उस मंदिर के ऊपर उस मंदिर का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, उसका सिर्फ एक ही यूटिलाइजेशन है, वहाँ जो असामाजिक तत्व नशेड़ी बैठना और जो टाइम बे टाइम लोग आते हैं उनसे छीना झपटी करना, तो उसमें वहाँ उसका काम है। कुछ बोला आप लोगों ने जाकर के? काफी दफा लोगों को बोल चुके हैं, अब भाई यहाँ और रात के टाइम पे यहाँ से कोई आदमी आ नहीं सकता, कोई ये कह रहा हो कि अगर आया तो आके दिखा देना कोई रात को, छीना झपटी बिल्कुल होती है, यहाँ वारदात होती है। वो मंदिर है, वो मंदिर सिर्फ इसीलिए बनाया गया है, वो बैठने का ठैया है और वहाँ जो है ना सारे नशेड़ी बैठते हैं जी, और वहाँ नशेड़ी जो है ना वारदात करते हैं। तो भारती जी आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी 78 है। तो 78 आपकी उम्र हो गई, और कितने समय से आप यहाँ पर हैं? 50 साल। 50 साल से आप हैं, और 50 साल से आप हैं तो आपको लग रहा है कि आप देश की राजधानी में रह रहे हैं? अभी तो नहीं लग रहा है। तो कभी सपना है पूरा होगा कि देश की राजधानी में रहेंगे? भाई देखिए, जब हम लोग मार धर करेंगे, इनको खींच खपड़ करेंगे तो अपना उम्मीद है बीबी की? हाँ, उम्मीद तो है, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, लड़ने और संघर्ष के लिए तैयार। हाँ, बिल्कुल तैयार है, उसी में जीवन बीता है। आपके सारे से आपकी आवाज से अगर हम कहाँ तक पहुँचते हैं? नहीं, बिल्कुल अभी भी तैयार हैं, हर काम के लिए तैयार हैं, धरना प्रदर्शन लठबाजी होगा उसके लिए भी तैयार हैं, वही करते करते इतनी उम्र बीती है। तो ये थे भारती जी, यादव जी, RWA के लोग, महावीर विहार के। हम यहाँ पर आए और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, पीने का पानी नहीं आ रहा है महावीर विहार में, रात को 1 बजे जग करके 1 से 3 बजे तक पीने का पानी भरना पड़ता है, पहले गंदा पानी आता है जिसमें सीवेज लाइन मिली होती है, MLA सुनकर के राजी नहीं है यहाँ की, और जल बोर्ड के उच्च अधिकारी कहते हैं कि बिना MLA की स्वीकृति के हम कुछ कर नहीं सकते, रोड टूटी हुई है, रिपेयर 5 साल पहले हुए था, बिजली का बिल बढ़ा चढ़ा आ रहा है, और 50 साल से सीनियर सिटीजन भारती जी जैसे
जो कि मेरे साथ खड़े हैं, संघर्ष करते आए हैं और इनकी हिम्मत है कि ये कह रहे हैं कि हमारा आरडब्ल्यूए आज भी संघर्ष करता रहेगा क्योंकि देश की राजधानी को सुधारना है। इंडिया डेयर्स के लिए मैं आज भी बोल रहा हूँ और हमारी आवाज़ संघर्ष करती रहेगी। धन्यवाद।